हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ असैसिन्स क्रीड यूनिटी। तो लास्ट एपिसोड में यार आर्नो जेल से भाग गया था, हमने एलिस से बात करी। एलिस से बात करके हमें ये पता चल गया कि एलिस के जो डैड थे, जिसने हमें शरण दी थी, बेसिकली वो टेम्पलार थे। और एलिस को ये बात बताती है और उसको हमारे बारे में पता था कि हमारे जो डैड थे जिसकी मौत हो गई, वो एक असैसिन थे। और बेसिकली एलिस को लगता है कि हमारी गलती कि उसके डैड मर गए। बेसिकली वो जो लेटर था वार्निंग का, वो हम टाइम पे दे नहीं पाए एलिस के डैड को, तो इस वजह से उनकी मौत हो गई। तो उसके लिए एलिस हमें ब्लेम कर दी बेसिकली। और वो जो बैलेक, वो जो बंदा था जो हमें प्रिजन से मिला था, जिसने प्रिजन से एस्केप करने में हमारी हेल्प करी थी, वो भी असैसिन्स क्रीड का ही मेम्बर है। और उसने कहा कि भाई तू हमारी रैंक्स ज्वाइन कर ले, तो उसने हमें कंपास दिया था और उसकी हेल्प से बेसिकली हमें पता कि हमें जाना था। बट प्रॉब्लम ये कि नेक्स्ट मिशन स्टार्ट करने के लिए मुझे अपना प्लेयर का लेवल 2 करना पड़ेगा शायद, या फिर पता नहीं क्या करना है। आई थिंक लेवल 2 ही करना है इसको एक तरीके से। जो ऊपर जो हेल्थ बार के ऊपर जो 5 डायमंड आ रहे हैं ना, उसमें खाली एक ही डायमंड दिखा रहा है मेरा, तो आई थिंक वो मेरे लेवल है प्लेयर की। जब वो 2 डायमंड दिखाएगा तब जाके आई थिंक मैं वो मिशन कर पाऊँगा। हाँ, पिछले एपिसोड में मैंने एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करी थी, उसके बदले मेरे को रिवॉर्ड मिला था। एंड उसके बाद मैं ऑफलाइन खेल रहा था एंड ऑफलाइन में मैंने ये मैप एक तो अनलॉक कर दिया था आई थिंक, और मैंने एक साइड क्वेस्ट भी करी थी असैसिन्स क्रीड कॉन्ट्रैक्ट वाली। उसमें बेसिकली मैंने एक लेडी की हेल्प करी थी, उसके लिए मुझे उसकी कोई चीज़ें मेरे को रिट्रीव करनी थी जो मैंने कर ली थी, और उसके बदले उसने मेरे को पैसे दिए थे। ओके, तो इसकी डिफ़िकल्टी लेवल 2 है राइट? ये डिफ़िकल्टी लेवल ही होता है ये जो डायमंड होता है। तो मुझे आई थिंक ये साइड क्वेस्ट ही करते रहना है, तो अभी ये करते हैं। तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि यार लेवल अप करने का तरीका यही है या फिर मुझे कुछ और करना है। मैं पहले सोचा था कि मैं ये जितने भी क्वेस्ट है ऑफलाइन खेल के खुद को इम्प्रूव कर लूँ, अगर होता हूँ तो फिर मैं मेन मिशन जब मैं करने वाला हूँ तब मैं रिकॉर्डिंग वगैरह स्टार्ट करूँगा। फिर मैंने सोचा इसको ऑफलाइन रिकॉर्ड करते ही हैं, चेक करते हैं पहले जो मैं सोच रहा हूँ वैसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, या तो फिर मेरे को देखना। अब फिर उसके बाद मेरे को गूगल करना पड़ेगा कि एक्चुअली सीन क्या है, मैं लेवल अप कैसे करूँ अपने प्लेयर को। वो तो रिवॉर्ड दिखाता है तो ये हमें बेसिकली पैसे ही देगी। इस नॉट मेरे लिए पैसे इतनी बड़ी बात नहीं है, पैसे तो मेरे को वैसे चेस्ट वगैरह से मिल ही जाएंगे। मेरे को आई थिंक मर्डर मिस्ट्री वगैरह ही सॉल्व करनी चाहिए। बट इस ये जो यहाँ पे एक मर्डर मिस्ट्री दिखा रहा है, इसका लेवल 2 है, मुझे नहीं पता ये मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। अरे मैं ट्राई कर सकता हूँ, एक काम करते हैं चलते हैं इस पर, देखते हैं रिवॉर्ड क्या मिल रहा है इस पर। और मैं ना फास्ट ट्रैवल मान लेता हूँ क्योंकि वरना मेरे को भागना पड़ेगा। तो जितने भी टावर से बड़े वाले जहाँ से मैं व्यू पॉइंट लेता हूँ, बेसिकली मैं वहाँ से फास्ट ट्रैवल कर सकता हूँ, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। थोड़ा सा डिस्टेंस वगैरह मैं कवर कर लूँगा रादर देन मैं पूरे टाउन में भागूँ, जिसमें मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। अभी थोड़ा सा टाइम बचाते हैं ना। और अचानक से धूप आ गई यार, और क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, ऊपर से सिटी अलग ही लगती है पेरिस भाई। ओके, इधर अंदर है, मैं देखता हूँ रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। ओके, रिवॉर्ड क्वेश्चन मार्क आ रहा है रिवॉर्ड पे। एंसेस्ट्रल वेंजेंस करते ही हैं यार, चलो। हाईली डिफिकल्ट मिशंस बाय स्किल्स वेपन्स इक्विपमेंट टू इंक्रीज योर लेवल। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है मुझे अपने लेवल अप करने के लिए मुझे स्किल्स बाय करनी पड़ेंगी, या तो वेपन्स बाय करने पड़ेंगे, इक्विपमेंट बाय करने पड़ेंगे अपने लेवल इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ये मैं कर नहीं सकता मिशन क्योंकि इसका लेवल 2 है ना, या फिर मैं कर सकता हूँ। ओके, करते ही हैं, अगर मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ तो फिर मैं कर ही सकता हूँ। पर बेसिकली गेम मेरे को वार्निंग दे रहा है कि मेरे कैरेक्टर का लेवल 1 है और इस मिशन को करने के लिए मेरे कैरेक्टर का लेवल 2 होना चाहिए। द बॉडी ऑफ पॉल टेरागॉन, साइंस ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस, द बॉडी इज मार्क्ड बाय ब्रूजेस, द आर्म्स एंड लेग्स हैव बीन ब्रोकन। तो ये तो किसी ने बदले में ही मारा है इसको बेसिकली, एक्सट्रीम वायलेंस दिखा रहा है ना बेसिकली, ब्रूजेस है बॉडी में, तो बहुत टॉर्चर करा है इसको शायद, और इसका हाथ पैर भी तोड़ा हुआ है। इस मेड से बात करते हैं, यहाँ पे ऐसा सस्पेक्ट ही दिख रही है मेरे को। ओके, इससे बात करते हैं पहले। आई एम डिस्ट्रॉट, हु कुड हैव डन सच अ थिंग,
He had not a single enemy. All I know is there was an article in the newspaper that made him very upset. ये कौन है? ये उसकी वाइफ है क्या? Oh, monsieur, I am distraught. Who could have done such a thing? He had not a single enemy. All I know is there was an article in the newspaper that made him very upset. तो बोले कि पेपर में इसके रिगार्डिंग कोई आर्टिकल आया था. इसके रिगार्डिंग नहीं, मतलब कोई आर्टिकल आया था जिससे ये बहुत अपसेट हो गया. बस इसी को उतना ही पता है. माई डियर टेराबॉन, आई इंक्रीजिंगली हैव दिस सेंस दैट आई एम बींग वॉच्ड, नो डाउट ड्यू टू द केयरलेस रेवलेशन ऑफ आवर ट्रू आइडेंटिटीज इन मोरोनिक इंटरव्यू गिवन बाय बीजी वॉट अ फीबल माइंडेड फूल. As though people have forgotten, take care old friend. Your friend A.D. Parasi, 19 New Dutch Journalist. ये एड्रेस होगा शायद इस. तो टेरागोन का फ्रेंड है कोई जिसने इसको मैसेज भेजा है. तो इसके दोस्त ने बेसिकली ये लिखा है लेटर पे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पर नज़र रखे हुए हैं. तो और इसमें ये भी लिखा कि हमारी आइडेंटिटीज़ वगैरह शायद से रिवील हो गई हैं, जो हमें अपनी आइडेंटिटी हमने बीजी को दी थी बेसिकली, ऐसे ही कुछ लिखा है. तो बेसिकली आगाह कर रहा है कि कुछ हो सकता है, तो तू ध्यान रख अपना. टेरागोन हाउस ब्लडी सिंबल अ रोमन न्यूमरल 2 हैज बीन रिटन इन ब्लड ऑन द डोर. ओके, मुझे उस बंदे से बात करनी चाहिए यार जिसने लेटर भेजा है. तो क्या मैं क्राइम सीन छोड़ के कहीं और जा सकता हूँ? ये भी मेरे को देखना पड़ेगा. टेरागोन हाउस ब्लडी सिंबल अ कलेक्शन ऑफ मेडिवल टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट्स अरेंज्ड इन अ डिस्प्ले. ओके, तो इसको यहीं पे टॉर्चर किया गया है इसका मतलब. टेरागोन हाउस हिस्ट्री ऑफ फ्रांस वॉल्यूम 4 4 sentences आर अंडरलाइन. गॉड नोज हु इज द रॉन्ग, गॉड नोज हु कवर्स हिमसेल्फ इन सिन. डिजास्टर्स विल फॉल अपॉन दोज हु कंडेम्ड अस हियर. बी इट नोन दैट ऑल हु हैव अपोज्ड अस एंड देयर डिसेंडेंट्स विल सफर बाय हैंड ऑफ गॉड. जाक इज द मोले. पता नहीं, कुछ जिब्रिश बकवास लिखी हुई इसमें ऑनेस्टली. टेरागोन हाउस न्यूज़पेपर, ये वो आर्टिकल है जिसके बारे में इसकी वाइफ बोल रही थी कि जिसको पढ़ के थोड़ा डिस्टर्ब हो गया थी. रीडर्स, इन दिस टाइम ऑफ चेंज लेट फ्रांस नॉट फॉरगेट हर हिस्ट्री. द इंक्विजिशन इफेक्टिवली एंडेड इन फ्रांस वेल ओवर 100 ईयर्स पास्ट, येट द डिसेंडेंट्स ऑफ द इंक्विजिटर्स लिव एंड वॉक अमंग अस. लेट अस कास्ट आवर माइंड्स बैक एंड रिकॉल दोज थ्री इनफेमस प्रोसिक्यूटर्स शॉन इन आवर इनग्रेविंग From left to right, the Nogaret, Magne and the Paris. ये तीन locations है right? The Nogaret, the Marigny and the Paris. These three are identified by medallions with numerous medallions, which they proudly regarded as a numbering of holy rank. We know today that several of our children changed their names to avoid retribution. We discovered here in Paris, descendant of Philippi the Margini, he is the prosperous merchant Bernard Shrimani of the Ile de la Cite. He gave us the honor of receiving us at his home at 6 Rue des Marmousets, where we admired his collection of thumbscrews and a chest stuffed with spikes, which he confided to us, our family heirlooms. Yaar, ye toh bahut bada likha hua hai. क्या है, किस दी इंक्विजिशन इक्वली एंडेड इन फ्रांस? पता नहीं किसी इंक्विजिशन वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा अच्छे से. पर उसमें तीन लोगों के बारे में सीक्रेट आइडेंटिटी लिखी हुई है, आई थिंक इसी की बात हो रही थी. तो इनकी आइडेंटिटी जो थी इसकी और इसकी फ्रेंड की, वो रिवील हो गई है ना बेसिकली अकॉर्डिंग टू डेट आर्टिकल. ऑथर परफेस, मैनी फैमिली चेंज देयर सरनेम्स इन दिस वे दे रिट्रीटेड इनटू एनोनिमिटी. Anonymity, thus avoiding the wrath of their victims and
ऑफ देयर विक्टिम डिसेंडेंट्स. तो कोई बंदा है जो मार रहा है बेसिकली डिसेंडेंट, इनके डिसेंडेंट्स को. दे जिमनी द पेरिस जो भी ये लिखा हुआ था. अरे मैप, मिनी मैप में और दो लोकेशन जा जा दिखा रहा है जहाँ पे मेरे को जाके इन्वेस्टिगेट करना है किधर है. ये सीरियस सही में इसका डिफिकल्टी लेवल तो काफ़ी ज़्यादा है. और टोटल चार लोकेशंस हैं मेरे पास, मैंने अभी एक को इन्वेस्टिगेट करा और दो करनी है मेरे को और तीन करनी है. ये टफ होगा. इसके ऊपर है शायद, इसके ऊपर वाले फ्लोर पर है. हाँ हाँ ऊपर बॉडी है. अरे इसका फ्रेंड तो नहीं है जिसने लेटर भेजा था? इस ये भी मरा हुआ है यहाँ पे दिखा. अबे हाँ सिमिलर टू अदर विक्टिम दिस बॉडी इज कवर्ड इन डीप लैसरेशन ब्रोकन बोन्स ब्रेक थ्रू दी स्किन्स. Laceration. A lifeless hand holds a pendant in the form of a key. It possible that it was torn away from the murderer. अच्छा तो इसने हाथापाई करी मर्डरर से और उस हाथापाई में इसके हाथ में की आ गई. जरीमानी हाउस, ये वही तो है जिसने लेटर भेजा था आई थिंक इसको. टेरागोन, ये क्या नाम है उसका. इसको भी वैसे ही मारा गया जैसे उसको मारा था. यार एक तो ये नोटिफिकेशन ना, लेटर फ्रॉम टेरागोन, प्लीज बी मोर सर्कमस्पेक्ट इन योर स्टेटमेंट. और रिसेंटली आई हैव हर्ड रूमर्स ऑफ अ वुमेन क्लेमिंग टू बी अ डिसेंडेंट ऑफ दे मोलेस लाइन नोसिंग अराउंड इन वेरियस आर्काइव्स. सेंचुरीज में हैव पास बट पैशन समटाइम्स हैव लॉन्ग मेमोरीज. पी पेंट टेरागोन, ये टेरागोन. टॉर्च डिवाइस, अ कलेक्शन ऑफ मेडिवल टॉर्च इंस्ट्रूमेंट अरेंज इन अ डिस्प्ले. चिमनी हाउस के अंदर एक और क्लू दिखा रहा है. अच्छा ये सेट ही है पूरा, तो काउंटी हो गया उसमें. अरे ये रहा, अरे न्यूमेरिकल नंबर ये वन है और वहाँ पे टू था. अ रोमन न्यूमरल आई हैज बीन रिटन इन ब्लड ऑन द वॉल. ओके ये भी हो गया कंप्लीट. तो पहले इसको मारा था फिर उसके बाद उसको मारा होगा टेरागोन को, अगर अकॉर्डिंग नंबर के अकॉर्डिंग जाए तो. ओके हम अभी तो एक ही सस्पेक्ट है, वो जो टेरागोन की वाइफ है बेसिकली, वही हमारी प्राइम सस्पेक्ट है अभी के लिए. तो तीसरी लोकेशन पे चलते हैं, आई थिंक वहां से मेरे को फोर्थ लोकेशन के बारे में पता चलेगा. इतना सिंपल तो नहीं होने वाला कि एक ही सस्पेक्ट हो. अगर एक ही सस्पेक्ट हुआ तो फिर पता ही है किसको अक्यूज करना है. ऊपर जाना है. मेडिकल इंस्ट्रूमेंट. अरे यहाँ पे कोई है. हेलो वुमन just tried to kill me. Me! I managed to wound her, but she ran off. She grabbed a dagger, an end. I twisted it away and stabbed her. This is her blood here. Okay, तो हमारी जो प्रोसेस, मतलब हमारे जो मर्डरर है वो कोई फीमेल है और उस वो जख्मी भी है. इसने जख्मी लीक कर दिया ना उसको. अब ब्लड लीड्स टूवर्ड्स दी स्टेयर्स. क्या ब्लड ट्रेल है यहाँ पे? ये भागे भागे कहाँ जा रहा है? बड़ी जल्दी हो रही है. A woman just tried to kill me. Me! I managed to wound her, but she ran off. एक और क्लू है कहीं पे. यहाँ पे भी कोई न्यूमेरिकल नंबर होगा ना, मेरे को देखना पड़ेगा कॉल पे. कहाँ पे वो लिखा हुआ है ब्लड से?
कितना ग्लो कर रहा है ना सब कुछ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे वॉल होगी कहीं पे, वहां पे लिखा हुआ है। ऊपर भी नहीं दिख रहा, नीचे भी नहीं दिख रहा, अजीब है। ये होगा ना, ये हमारा फोर्थ क्लू होगा। हाँ तो मैं ब्लड ट्रेल फॉलो करनी है वैसे। वो छुपी भी है क्या यहाँ पे कहीं पे? मेरे को लग रहा है वो अटैक कर सकती है मेरे पे। है तो इधर ही कहीं है वो। अरे पूरा दिख गया। या अंदर है अबे ये रही मैडम। They glory in their ancestors' deeds, vile torturers. They glory in their ancestors' deeds, vile torturers. ये तो सिंपल ही था, विक्टिम पे ही आ गए, यही है ना मर्डरर? यार ये कुछ ज़्यादा सिंपल नहीं है। डिसेंडेंट ऑफ जैकेस दे मोले, ये डिसेंडेंट है। आई मीन ब्लड ट्रेल इधर ही दिखा रही है, इधर खड़ी होकर प्रे कर रही है। आई थिंक शी इज द वन। दे ग्लोरी इन देयर एंसेस्टर्स डीड्स, वाइल टॉर्चरर्स। इस पे ग्रीन कलर का डॉट आ रहा है यार इसके ऊपर। दे ग्लोरी इन देयर एंसेस्टर्स डीड्स, vile torturers. Their ancestors decimated the Templar Order. They deserve to die horribly. तो यही थी, सिंपल ही था ये। मेरे को लगा इसमें कोई कैश तो नहीं है। नहीं वही थी, ये तो सिंपल ही था। बस मेरे को सारे क्लू इंस्पेक्ट करने। तो I was writing an ancient wrong. रिवॉर्ड क्या मिलेगा ये चेक करते हैं। Any fool could have figured that one out, I imagine. Still, take a weapon if you like. They'll be found with no false acquisition. Yes, maximum bonus awarded. Cognier, find the murderer. अबे ये सब मिल तो रहा है लेकिन है कहाँ? Follow up on what you found. You'll get there. इधर इधर ऊपर कहीं पे वो है क्या, अलमीरा वगैरह? यहाँ से मेरे कपड़े चेंज करने हैं। चक्कर क्या है मेरे को? Messy one north of the Saint Marcel near the river. I bring some gloves. Some shady characters mixed up in this one, eh? क्या क्या हो रहा है? मेरे पास दो आइटम है, मेरे पास एक वुड हैमर और मेरे को अभी कॉग्नियर मिला, लेकिन को मैं इक्विप कहाँ से करूँ? मैं मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी भाई।
ऐसा भी नहीं है मेरे पास कोई सेफ हाउस वगैरह हो। एक काम कर रहे हैं, मैं सीधा मेन मिशन कर रहा हूँ, क्योंकि मेन मिशन कर सकते हैं हम। राइट भाई, मैंने ट्राई कर लिया लेकिन उनको पता नहीं कैसे करना है। एक काम करते हैं, मैं गूगल कर लेता हूँ, मैं भी कुछ मिस कर रहा हूँ मैं। विजिट वन ऑफ द पैरिश हाउस टू अपग्रेड योर इक्विपमेंट। ये बोल रहा है विजिट वन ऑफ द पैरिश शॉप्स। एक मिनट, लेजेंड्स क्या है दिखाओ जरा। शॉप है, टैवर्न है यहाँ पे, हेलिक्स रिफ्ट आउटपोस्ट, सोशल क्लब रेनोवेटेड, लैंडमार्क, व्यू पॉइंट, प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, कैफे थिएटर। कैफे थिएटर करके भी है इसमें। ओके, जब तक मैं स्टोरी में प्रोग्रेस नहीं करूँगा मेरे लिए चीज़ें खुलेंगी ही नहीं ना, तो फ़ायदा क्या है फिर। ये काम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मेरी मिशन, मुझे लगता है कि इतना कुछ फ़र्क पड़ेगा। वो लेवल 2 का मैंने मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर दिया, मेरे को लगता है कि इतना कोई दिक्कत होगी मेरे को। चलते हैं सीधा मेन मिशन पे, चलते हैं, देखी जाएगी जो होगा। मेरा टाइम तो वेस्ट कर दिया। आई डोंट केयर, लेट्स प्ले दिस। उससे मेरे को कुछ असैसिन सिंबल वाले पॉइंट्स मिलेंगे, उसमें ये दिखा रहा था रिवॉर्ड्स पे, पता नहीं। I suppose a simple address would be too mundane. वही। वहाँ पर विंडो में सेम सिंबल है। ईगल विजन यूज करना होगा यहाँ पे आई थिंक। इन्वेस्टिगेट इनसाइड दिस सेंट चैपल। ये तो यार ये बात ईगल व्यू का बार बार वो कर रहा था ना। अरे वहाँ ऊपर जाना है। ओके, मेरे को लग ही रहा था कि यस नीचे तो कुछ देंगे नहीं, ऊपर ही देंगे अगर देंगे तो। अच्छा, मुझे उसको प्लेस करना होगा यहाँ पे, रिफ्लेक्शन की लाइट से कुछ रास्ता मिलेगा हमें। एडवांस टेक्नोलॉजी भाई, एडवांस टेक्नोलॉजी, सही में क्या ये मैकेनिज्म बनाया हुआ है सही में। मुझे क्लाइम करते हुए जाना है। जहाँ से रास्ता बन रहा वही वही से जाओ भाई।
ये आके नहीं कूद रहा यहाँ से। अबे टाइम लिमिट है बे, टाइम लिमिट है इस पे। मैंने सोचने में बहुत टाइम लगा दिया, मेरे को दोबारा जाके कुछ करना पड़ेगा। इतनी मैकेनिज्म वहाँ पे। इस बार जल्दी करूँगा मैं। अब मेरे को समझ गया ना कैसे करना है। What's the light supposed to illuminate? अच्छा टाइमर है, वही ना टाइमर का सीन है पूरा। ये अपने वापस में अपने ओरिजिनल प्लेस में आ जाएगा। अबे ये क्या हो गया? अरे अब नीचे आया यार, वो गड़बड़ कर दी। हमें को दोबारा वेट करना पड़ेगा। सिंपल सा टास्क है और उस पर ये सब हो रहा है। मैं इसके ओरिजिनल पोजीशन पाने का वेट ही कर रहा हूँ। तो ये पूरा नीचे आएगा मेरे को, तब ये वो सब करना, भागना भूगना बेसिकली। और ये चैंड जो शैंडलियर भी है ना, ये भी वापस ऊपर चले आते हैं बेसिकली अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। अब इसमें मैं वेट करूँगा प्रॉपरली। ओ फटाक से ऊपर चले गए। हाँ ओके अभी वेट करो। लीप ऑफ फेथ। अच्छा लीप ऑफ फेथ करना था, मुझे लगा वहां ऊपर कोई मैकेनिज्म वगैरह है, मुझे उसको भी प्रेस करना है। ये पुराने असैसिन से सारे हैं। Took you long enough, piss pot. What is this place? A sanctuary. A place we can train and prepare away from the eyes of our enemies. Didn't we just escape from a dungeon? It's not a dungeon. It's a nerve center. In these tunnels we can get anywhere in the city. All without being seen. We have eyes everywhere. Really? Seems visibility would be a problem. Wouldn't you prefer something with a view? This place has served us well for 600 years, Pisspot. Mm-hmm. Yeah, Pisspot. And how long Pisspot were you standing in the dark waiting for me? Not follow long. Belek, main Belek mere ko follow karta hu. तो सिंपल सही मिशन था, पता नहीं मैंने पहले क्यों नहीं कर लिया। मैंने टाइम वेस्ट किया अपने साइड क्वेस्ट में सीरियसली। वो मैं ऑफलाइन भी कर सकता था। God's truth, very theatrical. So, the son of Charles Dorion returns to us. Belek thought you wouldn't come, but changed your mind. I'm tired of running from my failures. Monsieur de Lassay, my father. I want to make it right. The death of Grandmaster de Lassay weighs on you. Why? Did you wield the blade yourself? Does it matter? The blame still lies with me. Inna the nubahu tukilu kailai. Hal anta muta akidon min? Anna kathalik. Inna ukadnira ala muajati el muhakama. Sekunu jaidan. Acha mujhe trial wagera pass karna padega. Rank join karne ke liye assassin. Out of the dark you come into the light. From the light you will return to the dark. Are you prepared to travel the eagle's path? If that's a fancy way of asking, do I want your help? Yes.
Then drink. Okay, ritualistic trial है. किसी तरीके का ritual है ये. क्या जादू जादू टोना हो रहा है भाई. वो इसकी मेमोरी से सारी एडल्टस मॉर्टिस और पिलस सैंटस करना क्या है. अच्छा जंप करना है. वहीं पे जगह पे आ गए जहाँ बचपन में हम थे जब इसके डैड की मौत हुई थी. Courage, my boy. You wait just here. I will return when this hand reaches the top, and there is to be no mischief. Where is that boy? Oh, क्या हो रहा है? ही गया मेरे तरीके से तो ईद प्रेस करके रखूंगा तो एकदम तेजी से जाएगा और मेरे को फिर ई से हाथ हटा के टर्न लेना बेसिकली. ओके समझ गया. फादर वेयर इज दैट बॉय. हमारा वी शुड बी वन अवे. से जा रहा हूँ मैं वहाँ पे गैप नहीं है ना इतना. मेरे को लेफ्ट से जाना पड़ेगा भाई. वहाँ पे भी लग ही जाएगी मेरे को. एक काम करता हूँ स्टार्टिंग में पूरा घिसक के लेफ्ट चले आता हूँ फिर वहाँ से एकदम सीधा स्वीप हो जाता है.
आराम से चलते हैं। Father, look out! No! उसे पास देख रहा, किसी ने मारा है इसके टायर। अरे वो वही है ना, टेम्पलर ही तो है, मेरे को पता ही था। टेम्पलर तो असासिन ने मारा था इसको, उसने हुड पहनी हुई थी ना। सीधा सीधा रास्ता है। You must receive it today. किसी असैसिन ने मारा है इसको। ओ, वो इधर ही छुपा हुआ है। अब समय में है, इस पार्ट के लिए बेसिकली बोल रहे थे गेम मेरे को रिकमेंड कर रहे थे कि मेरे को वो चाहिए, लेवल 2 होना चाहिए मेरे कैरेक्टर का। अबे यहाँ पे क्या करता मैं भाई, वहां कर भी क्या सकता। Kill the assassin without being detected। अच्छा मेरे क्राउड के बीच में रहना है। हायरिंग में समझ गया, मेरे को उसके पीछे जाना है घूम के, जब वो बीच में खड़ा रहेगा वहां पे। क्योंकि अगर वो मेरे को देख लेगा ना तब वो टेलीपोर्ट कर देगा और फिर वो मेरे को पीछे से जाके मार देगा। ये करना था भाई, पहले ही बता दिया करो ये ऐसा ऐसा करना था। नहीं ऐसा ऐसे नहीं मारा, इसके दिमाग में ये सब चल रहा है बस ऐसे। अच्छा इसको ये गिल्ट है बेसिकली कि इसके डैड इसके वजह से मर गए, अगर ये टाइम पे आ जाता वहाँ पे तो इसके डैड नहीं मरते, या फिर सेरे को अगर ये टाइम पे लेटर दे देता तो वो भी नहीं मरता, तो ये खुद को ब्लेम करता है। तो इसलिए ये खुद को इमेजिन कर रहा है कि मेरी वजह से इसके डैड और वो सेरे जो थे वो मेरी वजह से मरे हैं। ये बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन था यार। These are the words spoken by our ancestors, the words that lay at the heart of our creed. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the Brotherhood. Let these tenets be branded upon your mind. Follow them and be uplifted. Break them at your peril. Rise, assassin. Yeah, finally hidden blade mil gaya. Ab thoda action wagera properly kar payenge. Arno Dorian is dead. He has been culled from this world. His sins and failures turned to dust. Tonight he is reborn, a novice of the Assassin Brotherhood. He's a novice, huh? Obviously. Memory complete, rebirth. Simple memory thi sahi mein. Time waste kiya side quest karke sahi mein yaar. तो मैं कर सकता हूँ, मैं हायर लेवल वाले जो मिशंस या क्वेस्ट है ना वो मैं कर सकता हूँ थोड़ा सा रिस्क लेके। अब चीज़ें मेरे लिए अनलॉक होगी ना, अब जाके मैं कुछ और भी
इक्विपमेंट वगैरह यूज कर पाऊंगा। Now that you've experienced life as an assassin, are you willing to pick up the fight and join us? Deacon, load the file. Coming up. We lifted a media file from Abderigo last month, and the information it contains is astounding. But we won't share these things with just anyone. By pressing play, you'll be joining the assassins. If you want to fight the Templar menace, if you're willing to save civilization from Abderigo's clutches, press play, sit back, and ready yourself for the truth. The Phoenix Project. Good choice. Welcome to the Assassins, Initiate. Level 5 security clearance. Baap re baap. Investor attract video Phoenix. Pata nahi kya kya likha hua. Abderigo Industries. जॉर्ज मेंडल एडशिट किस्केल बाप रे बाप। In the 1950s, it was theorized that human DNA worked via the triple helix model. Some years later, the work of Crick and Watson demolished this theory in favor of the double helix. Today, we know the double helix to be indisputably the basis of all life. So why did the triple helix theory gain so much traction? Why did Rosalind Franklin's X-rays seem to confirm it? It turns out that their initial samples had been taken from small traces of precursor DNA, the rare genes of an ancient race embedded in our own. We now know that triple helix DNA is the foundation of the precursor genome. It is the genetic Rosetta Stone of our age. If we can crack it open, if we can sequence the full precursor genome, there is no limit to the knowledge we will gain. Using Animus technology, precursor history will be open to us for the first time ever. Ancient languages will be unlocked, and ancient technology will be ours for the taking. Imagine what will be possible if we master the technology that underpins the pieces of Eden. Swar, such discoveries Eden apple. Will surpass 100-fold the splitting of the atom. Last year, we located a rich sample of precursor DNA in a donor whose genes contained human and precursor DNA at an incredible 25-to-1 ratio. Our work will begin with this sample. Our goal is to unravel the triple helix, sequence the precursor genome, and change the world for the better, forever. Welcome to the Phoenix Project. Okay, so ye kaam kar rahi hai basically modern day Templar. ये प्लान है उनका, वो जीनोम ढूंढने प्रीकर्सर्स के, जिससे कि उनको सारे सीक्रेट्स मिल जाएंगे बेसिकली। So, this is where we stand. Last year, Abderigo acquired the body of a man we call Sage. Yeah, Assassin's Creed Black Flag में था इसका। Surplus of ancient DNA. This sparked a search for more Sages in the present and in the past. The more Abderigo finds, the closer they get to their final goal. We blocked their recent attempts to find more, but Abderigo will not stop looking until they sequence a full precursor genome. So, why Arno Dorian? Why chase an assassin through the French Revolution? Okay, French Revolution. It turns out, at some point in his life, Arno came into contact with another sage. We need you to find out when and where these meetings took place. Ocha. If Arno was present for this sage's death, it might lead Abderigo straight to his body. Naturally, we'd like to find him first. This is where you come in. It won't be simple. Genetic memory must be tackled in sequence to keep the data stable. But we're confident you're up to the task. And you won't be alone. Other initiates, assassins just like you, are doing their part to end this fight. If you need more training, more experience, you can call on them for help. All right. Loading the next sequence. ओके, सीक्वेंस वन हमने कंप्लीट कर लिया, सीक्वेंस टू की बारी है। नाइस यार, तो यहाँ पे एक और स्टेज है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, तो फ्रेंच ही बोल रहे थे ये लोग, तो मेरा अंदाज़ा सही था। एक स्टेज तो हमें असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग में मिला था, और एक हमें इसमें मिल रहा है स्टेज। I've got something else for you. The more time you spend with Arno, the more data we'll have to increase your synchronization with him, and
to activate his abilities. Here, have a look at this. New assassin abilities have been unlocked in your skills menu. यही तो ढूंढ रहा था मैं. आई थिंक यहाँ से मैं गियर वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ. तो ये तो मेरे को बाद में करना था, मतलब जितने भी साइड क्वेस्ट वगैरह थे वो मेरे को बाद में करने थे, पहले मेरे को मेन मिशन करना था. वो डिफिकल्टी वाले लेवल का नोटिफिकेशन आ गया ना, मैं कंफ्यूज हो गया भाई. फिर तो रेंज वेपन, असैसिन कैशे, मनी पाउंड, स्टन ग्रेनेड, कम्यूनल सेंस, डिस्गाइज. मैं डिस्गाइज कर सकता हूँ इसमें सही में. लॉक स्मिथ, ग्रुप हीलिंग, डबल असैसिनेशन, थिक स्किन. आई थिंक मैं ज़्यादा डैमेज ले पाऊँगा. एनवायरमेंटल ब्लेंडिंग बढ़ मेरी इन्हेंस हो जाएगी. स्टैगरिंग स्ट्राइक. भाई साहब यही सब तो चाहिए था मेरे को, पहले ही भाई मेन मिशन करना था, मैंने टाइम वेस्ट किया सही में. तो ये स्किल है. और बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट असासिन वाले क्वेस्ट है ना, उससे मेरे को असासिन पॉइंट मिलेंगे, जिससे कि मैं यहाँ से स्किल अनलॉक कर सकता हूँ. जैसे इसके लिए दो वो चाहिए मेरे को, और मेरे पास चार है टोटल कंप्लीट. अच्छा इसके लिए सीक्वेंस भी कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे कि ये रिक्वायरमेंट मेरे को इसके लिए सीक्वेंस 5 कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके अनलॉक होगा. तो सारे मैं अभी नहीं कर सकता अनलॉक, ऐसा नहीं कि मैं दबा के मैं साइड क्वेस्ट कर लूँ सारे और फिर मेरे पे पॉइंट्स आ जाए फिर मैं अनलॉक कर लूँ, ऐसा नहीं होगा. जैसे कि मैं अभी ये कर सकता हूँ. अच्छा एकदम धक्का दे गए. एन अनबैलेंसिंग अटैक रिटर्न्स द एनिमी फॉर अ मोमेंट इन फाइट, होल्ड स्पेस टू परफॉर्म. अच्छा स्टर्न करने के लिए एनिमीज को, राइट. मेरे को आई रेंज वेपन लेना चाहिए, पिस्टल होना स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा रहेगा. इसमें एरो भी है मेरे पास, इम्प्रूव फैंटम ब्लेड. ओह नाइस. ये क्या है? द एबिलिटी टू क्रिएट एन असैसिन कैशे विच अलाउज यू टू एलाइज रिकवर बॉम्ब्स एंड अदर कॉन्स्यूमेबल्स व्हेन इक्विप प्रेस जेड टू क्रिएट अ कैशे. अच्छा मैं स्टोर करके रखूँगा चीज़ है, मेरे को बस जेड प्रेस करना है, मेरे जो भी मेरे पे आइटम वगैरह नहीं होगा वो मैं रिफिल कर लूँगा एक तरीके से. मनी पाउच, भाई मनी को फेंकने की चीज़ होती है. स्टन ग्रेनेड ये काम की चीज़ है, ये स्केप करने के लिए या मारने के लिए अच्छा है. मेरे पास वैसे स्मोक तो है, मैं काम करता हूँ. एक तो मैं ये पिस्टल ले ही लेता हूँ, रेंज वेपन नाइस, क्योंकि पिस्टल तो चाहिए भाई. ठीक है अब स्टेल्थ में देखते हैं, ये कर लेते हैं अनलॉक, ये काम की चीज़ है क्योंकि चेस्ट वगैरह मिलेंगे तो उसके लिए लगेगा. मेरे को पास अभी पैसे की इतनी किल्लत नहीं है तो रह नहीं देता हूँ ये भी. एबिलिटी टू टेम्पररी डिस्गाइज योर सेल्फ. अरे ये रहा, तो मैं एक्चुअली डिस्गाइज कर सकता हूँ. ये देखो मैं सोल्जर बन गया, नाइस. इक्विप प्रेस व्हेन इक्विप प्रेस जेड व्हाइल फेसिंग योर टारगेट टू डोन अ डिस्गाइज. वो ये तो इन्फिल्ट्रेशन में बहुत काम आएगा भाई. इसके लिए चार चाहिए, मैं एक साथ दो को मार सकता हूँ बेसिकली, डबल असैसिनेशन. एबिलिटी टू शेयर ईगल विजन विद एलाइड, ये तो मल्टीप्लेयर के लिए है शायद. मैं ये अनलॉक कर लेता हूँ, या फिर एक मिनट रुको. द एबिलिटी टू हील नियर बाय प्लेयर्स ऑफ सम डैमेज, ये तो. द एबिलिटी टू विस्टैंड अ लिटिल मोर डैमेज इन कॉम्बैट, ये काम की चीज़ है. थिक स्किन, ये थिक स्किन वाला था. इसके इसके भी टोटल चार लेवल है. ओके ग्रुप हीलिंग, ये तो मैं को मल्टीप्लेयर तो मैं खेलूंगा नहीं, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी ऑनेस्टली. ओके अब मेरे पास पॉइंट नहीं है तो पॉइंट्स वगैरह बाय करते हैं फिर देखेंगे. एनवायरमेंटल ब्लेंडिंग ये कर सकता हूँ. एबिलिटी टू मैनेज बाय परफॉर्मिंग मंडेन एक्टिविटीज सच एज सिटिंग ऑन बेंच और लर्निंग अगेंस्ट द वॉल. वॉक इन टू अ ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म, ये अच्छा है. एस्केप करने में काम आएगा. ओके तो मेरे को मैं साइड क्वेस्ट करूंगा ऑफलाइन बैठ के और While you've been busy, एक्युमुलेट I had Deacon do some poking around in Arno's memories. Seems he was a busy guy. See that symbol? That's a co-op mission. I play a lot of games multiplayer. I don't know about you, but I thought you'd like to mix it up a little. These are missions Arno ran with his assassin buddies, so they'll give you an idea of what our organization's about. Just walk into the glitch and you'll get all the details. I've marked them on your map. वेपन्स इक्विपमेंट ये रहा ना. ओ भाई इसमें तो हैवी कस्टमाइजेशन दे रखी है.
ग्रेड, ये क्या चीज़ है पता नहीं। इसके लिए कुछ वो चाहिए, नहीं अपग्रेड करने के लिए कुछ चाहिए, पर मैं इक्विप कर सकता हूँ, ये मेरे पास ऑलरेडी अनलॉक्ड है। अच्छा डिफरेंट डिफरेंट से मेरा हेल्थ और वो बढ़ेगा बेसिकली। मुझे कुछ ऐसा इक्विप करना चाहिए जिससे कि वो हो जाए, जैसे इसका इसमें स्टेल्थ बढ़ जाएगा बेसिकली, इसमें हेल्थ बढ़ जाएगी थोड़ी सी, इसमें स्टेल्थ और हेल्थ दोनों ही बढ़ेगा। ये अच्छा हैंडमेड बर्कोइस हुड, अच्छा बाय करना पड़ेगा। और ये सब आई थिंक अभी अनलॉक नहीं है, ये कोऑप वाले क्या भी सर्टेन क्वेस्ट या वो कंप्लीट करना पड़ेगा तब जाके अनलॉक होंगे। यार इसमें ऑप्शन तो बहुत सारे ड्रेसेस के, जैसे कि ये है, ये बहुत अच्छा लेजेंडरी ब्रिगेंड हुड। भाई साहब पैसे चाहिए भाई, तो मुझे वेपन्स के साथ साथ कॉस्ट्यूम वगैरह पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ और स्टेल्थ बढ़ जाएगी इसमें, तो सर्टेन आउटफिट से सर्टेन एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा मेरे को, राइट। ये ओन है मेरे पास, लेकिन मैंने इक्विप वाला कर रखा है। इसमें स्टेल्थ बढ़ जाएगा, इसमें मिली और हेल्थ बढ़ जाएगा, ये बाय करना पड़ेगा। तो मुझे अपने कैरेक्टर को ना एक सर्टेन डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा, या तो मैं स्टेल्थ में इन्वेस्ट करूँ या फिर हेल्थ में, बेसिकली मेरे को ऐसे करके देखना पड़ेगा। वेपन, यस मेरे को वेपन ही ढूंढ रहा था मैं बेसिकली, अभी मैं वेपन ले सकता हूँ। तो ये सब ओन्ड है मेरे पास, ओके। ये 1000 फ्रैंक्स, ये सब 1000 1000 है। इसमें मेरे को स्पीड नहीं मिलेगी, और ये हैवी वाले हैं, डबल स्वॉर्ड पिस्टल्स है मेरे पास। पेपर शॉट, मल्टी शॉट पिस्टल, मल्टी शॉट पिस्टल अच्छी है। ये तो बाय करना पड़ेगा, कुछ मेरे को बाय करने पड़ेंगे, कुछ मेरे ऑलरेडी अनलॉक्ड है बेसिकली। इसमें रेंज मैक्स हो गई मेरी, अभी ये वाली पिस्टल ही रखते हैं। और राइफल, राइफल भी है इसमें, व्हाट वो लार्ज बोर राइफल नेम फॉर ट्रिमेंडस राउड एंड गाउट्स ऑफ फ्लेम द आयरन ड्रैगन। क्या हो रहा है, पैरी कर सकता हूँ मैं बेसिकली, और ये वाले बाय करने पड़ेंगे मेरे को। गिलियड गन, वो आर्टिलरी लॉन्चेस डिवास्टेटिंग एक्सप्लोसिव व्हाइल स्ट्रेंथनिंग सम ऑफ द गिलियड गन्स का, ओ नाइस। ये वेपन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को बाय करना पड़ेगा, और इसके लिए मेरे को मिशन वगैरह कंप्लीट करने पड़ेंगे, डेड केन्स प्ले मेन मिशन वगैरह, जो भी इसका मेन मिशन से अनलॉक होंगे। भाई वेपन चॉइस ये देखो, नाइस। आई थिंक मैं एक बार में एक ही पिस्टल रख सकता हूँ, या तो मैं पिस्टल रख सकता हूँ या फिर मैं राइफल रख सकता हूँ अपने पास।
नहीं नहीं मैं पिस्टल अलग है और अच्छा समझ गया। या तो मैं स्वॉर्ड रख सकता हूँ या फिर हैवी हैवी एक्स वगैरह रख सकता हूँ या फिर मैं गन रख सकता हूँ। डूड ये मैं ट्राई करूँगा कॉम्बिनेशन कैसे बैठेगा। ओके पैसे मिल गए। ओके गाइस आई थिंक इस एपिसोड के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मैं गेम कंटिन्यू करूँगा। भाई बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। इतनी सारी चीज़ें वेपन्स ऑप्शन इतना अच्छा है इसमें। देखते हैं मिशंस करने में कैसा। और मेरे को फाइट करनी है एक्चुअली में। फाइट में कितना मज़ा आता है। मैं आउटफिट अपना देखूंगा कि मैं अपने आउटफिट को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ। उस हिसाब से मैं अपने एक आउटफिट बिल्ड करूँगा मैं। तो आई थिंक इस एपिसोड के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सी या।